देश दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिहार में भी बीते कुछ दिनों में इस संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए केंद्र सरकार ने समूचे देश को लॉकडाउन कर रखा है। हालांकि जहानाबाद जिले में अब तक कोरोना संक्रमित का कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है, फिर भी जिला प्रशासन इसे लेकर काफी सतर्क नजर आ रही है। इसी कड़ी में वायरस से बचाव के लिए खास टनल का निर्माण किया गया है। इस टनल के माध्यम से आम जनों के पूरे शरीर को एक बार में ही कुछ ही सेकंड में सैनिटाइज किया जा सकता है। शहर के पीली कोठी के समीप लगाए गए इस टनल से होकर गुजरने वाले व्यक्ति खुद ब खुद सैनिटाइज हो जाते हैं, जिससे वायरस के फैलने का अंदेशा काफी हद तक कम हो जाता है। डीएम नवीन कुमार ने बॉडी सैनिटाइजेशन टनल का उद्घाटन करते हुए कहा कि लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए बॉडी का सैनिटाइजर टनल के माध्यम से संक्रमण मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सब्जी मंडी और अस्पताल होने के कारण यह क्षेत्र काफी व्यस्त रहने वाला क्षेत्र है। यहाँ आम जनों का आवागमन हमेशा रहता है। लोग अपने को कोरोना वायरस से बचाव के लिए बॉडी सैनिटाइजर टनल में जाकर संक्रमण के फैलाव को न्यूनतम कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिले में जिला स्तर पर बनाया गया ये पहला सैनिटाइजेशन टनल लगाया गया है, जिसे अरुण एक प्राइवेट आईटीआई के निदेशक ऋतुरंजन पाठक द्वारा बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रायोगिक तौर पर इसका प्रदर्शन और उद्घाटन गुरुवार को किया गया। हालांकि इसमें और सुधार की आवश्यकता है ताकि और अधिक प्रभावी तरीके से ये सैनिटाइजेशन टनल काम कर सके। इसमें सुधार होने के पश्चात इसे आवश्यकता अनुसार जिले के अन्य क्षेत्रों में भी लगाया जाएगा। वहीं टनल के निर्माता ऋतुरंजन पाठक ने बताया कि 10 फुहारों के साथ हाइड्रोसेल प्रेशर के डीसी मोटर द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाता है। फुहारों का एंगल 360 डिग्री के हिसाब से सेट किया गया है ताकि 3 सेकंड में ही यह पूरे शरीर को सैनिटाइज कर दे। इस मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शंभुनाथ झा, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मुकेश कुमार सहित नगर परिषद के वार्ड सदस्य और जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि विदेशों में कार पार्किंग के हिस्से में इसी तरह के सैनिटाइजेशन टनल की तैयारी की गई है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जाए। और अपने जिले में जिला स्तर पर किए गए इस निर्माण की लोग सराहना कर रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि ये प्रयोग कितना कारगर साबित होता है ये देखा जाए, किस तरह से इससे संक्रमण को फैलने से रोका जाए, इसका अध्ययन किया जाए और फिर अधिक संख्या में इस तरह के सैनिटाइजेशन टनल बनाए जाएं, जिससे कोरोना संक्रमण से जो अभी तक जहानाबाद जिला मुक्त रहा है उसे आगे भी एक उपलब्धि के तौर पर बरकरार रखा जाए। इस बीच लगातार ये आग्रह किया जा रहा है कि लोग सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, नियमित साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथों को सैनिटाइज करें। मोबाइल उसमें आज हम लोगों ने एक नई शुरुआत आज की है कि जितने लोग सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर आते हैं वो निश्चित रूप से हम लोगों ने एक सैनिटाइजर टनल डेवलप किया है, उससे होके जाएँ ताकि वो पूरी तरह सैनिटाइज होके ही भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाएँ और यदि कोई संक्रमित वायरस उनके पास हो, उनके बॉडी में हो या उनके कपड़ों पे हो, तो निश्चित रूप से सैनिटाइज हो जाए, सैनिटाइज होकर भीड़ भाड़ वाले जगहों पे जाए ताकि ये संक्रमण जो है वो नहीं हो। तो जिले में कितने जगहों पे ऐसा किया गया है? अभी तो एक जगह पे हम लोगों ने लगाया है, कल 2 और जगहों पे लगे। तो जिले की क्या स्थिति है सर? जिले की स्थिति काफ़ी अच्छी है, सुखद स्थिति। आप लोग भी जो कोरोना सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं उसके मैप को आप लोग देख रहे होंगे। अभी तक बिहार में 10 जिले प्रभावित हुए हैं और 61 जिले इंडिया में प्रभावित हैं, लेकिन हमारा जिला जो है बीच में छोटा सा जिला हमारा बचा हुआ है। हमेशा मैप पे देख के सुखद अनुभूति होती है कि हमारा जिला बचा हुआ है।